हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल ओनिशा। दोस्तों आज हम देखेंगे कैसे मोबाइल से विजिटिंग कार्ड बनाएंगे, ठीक है। इसी तरीके का विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए दोस्तों सिंपल तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। दोस्तों आइए पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में सर्च करिए बिजनेस कार्ड मेकर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बिजनेस कार्ड मेकर आप प्ले स्टोर में सर्च करिए, इसी तरीके का एक एप्लीकेशन शो करेगा। इसी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। दोस्तों ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका है, आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद आपको उसी एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए, ठीक है। ओपन करने के बाद इसी तरह का एक सेव कर देना आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल जाने के बाद आपको इसी तरह का एक फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, जो भी डाटा जरूरत है आप यहां से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको बैक करना है, बैक करने के बाद आपको क्रिएटेड क्लिक करना है। हाँ दोस्तों, यहाँ से सब कुछ ऑप्शन आपको शो कर रहा है। बैक करने के बाद आपको यहाँ से क्रिएटेड, डाउनलोड, सेव, प्रोफाइल, शेयर, रेट सब कुछ यहाँ से शो कर रहा है। इसके बाद हमको क्रिएटेड में जाना है, इसके बाद दोस्तों आपको क्रिएटेड में जाना है। यहाँ से बहुत सारा डिजाइनिंग अवेलेबल है, जो डिजाइन आपको अच्छा लगा उसी डिजाइन को चूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारा डिजाइन की यहाँ से है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें एक डिजाइन हम चूज कर लेंगे। इसी डिजाइन मेरे को अच्छा लगा तो इसको मैं सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप दोस्तों इसके बाद दोस्तों यहाँ से शो कर रहा है मेरा प्रोफाइल में जो डाटा फिलअप किया था वही डाटा यहाँ से शो कर रहा है, ठीक है। इसमें जो ज़रूरत है इसमें रखेंगे, जो ज़रूरत नहीं उसको डिलीट कर देंगे। पहले डिलीट कैसे करेंगे इसके बाद हम देखेंगे। पहले उसको सिलेक्ट कर दीजिए जिसको डिलीट करना है। नीचे देखिए उसका सब ऑप्शन दिख रहा है, कॉपी पेस्ट डिलीट जो कुछ करना है यहाँ से सब कुछ शो कर रहा है। फिलहाल मैं इसको डिलीट करना है, ठीक है। इसके बाद ये जो लेटर है इसको भी मेरे को डिलीट करना है। अगर मैं इसको स्टाइल करूँगा तो इसका स्टाइल भी सब कुछ है, ठीक है। लेटर स्पेसिंग भी डालूंगा तो इसमें लेटर स्पेसिंग दे सकता है, ठीक है। इसको मैं ड्रैग करूँगा तो किसी जगह पे भी उसको ड्रैग में कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इसको मेरे को डिलीट करना है, ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्त यहाँ से आपको कुछ एडिट करना है डाटा, तो कैसे एडिट करेंगे इसके बाद एडिट करेंगे। पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद इसको एडिट में जाइए, इसको जो कुछ एडिट करना है एडिट कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने इसको फिलहाल डिलीट करना है, मेरा ये ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत है इसको मैं रख लूँगा, ठीक है। तो लोकेशन को नीचे जो आइकन है इसको मैं नीचे लेकर आया, ठीक है। तो दोस्तों इसको मेरे को कॉपी करना है, क्योंकि यहाँ से कॉपी का ऑप्शन शो कर रहा है। इसको मैं कॉपी करके फिर यहाँ से ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। ड्रैग करने के बाद ये मेरा व्हाट्सअप है तो इसलिए, ठीक है, ड्रैग कर दूंगा। तो इसमें ड्रैग करने के बाद इसमें क्लोज करना है। आइकन भी यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन शो कर रहा है, इसको आइकन चाहिए, ठीक है। जो भी आइकन आप चाहिए तो वही आप आइकन यहाँ से आप ले सकते हैं। फिलहाल इसे आप आइकन को मैं यहाँ से डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद मेरे को यहाँ से आइकन चेंज करना है। आइकन में क्लिक करिए, यहाँ से आइकन का ऑप्शन शो कर रहा है। इसके बाद थोड़ा आइकन मेरे को मोबाइल का आइकन लेना है, आपको जो आइकन अच्छा है वही आइकन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है।
ये वाला। इसमें इसको डिलीट कर दीजिए, इसमें इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। इस तरह का मैसेज जरूरत नहीं है। इसके बाद आप आपका लोगो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे लोगो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से आप अगर दोस्त यहाँ से आपका लोगो ऐड करने के लिए आप चाहते तो आप यहाँ से लोगो का ऑप्शन में क्लिक करिए। यहाँ से बहुत सारा लोगो है, जो लोगो चाहिए वही लोगो आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आपका लोगो आ जाएगा, आप जिस जगह पे चाहिए उसी जगह पे आपका लोगो आप डाल सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे चाहिए आपका लोगो आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पीएल मैंने मेरा खुद का लोगो अपलोड कर दूंगा। यहाँ से अपलोड का ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से सीधा गैलरी ले जाएगा। इसके बाद आप आपका लोगो जहाँ पे ही उसको सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। मैंने मेरा लोगो को सिलेक्ट कर दीजिए,
मैंने मेरा लोगो को सिलेक्ट कर दिया, इसके बाद इसको क्लिक कर दिया। उसके बाद इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ से ढक दूँगा इस तरह का, इसको यहाँ से रख दूँगा, ठीक है। तो इस तरह का वो इसको जूम इन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से और भी आइकन ऐड कर सकते हैं, जो कुछ ऐड करना है यहाँ से सब कुछ ऑप्शन है। अगर आइकन ऐड करना है तो यूट्यूब का आइकन मैं यहाँ से ऐड कर दूंगा। इसको आइकन को इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, यहाँ से लेके जाऊंगा। इसके बाद मैंने टेक्स्ट में कुछ लिखना है, स्टाइल को थोड़ा जितना चाहिए उतना ही यार, जितना चाहिए उतना ही कैरेक्टर स्पेसिंग आप यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। बोल सकते इस तरह मैंने कर दिया। इसके बाद आप यहाँ से शेयर कर सकते भी, आप प्रीव्यू भी देख सकते, डाउनलोड कर सकते, अपलोड करते हैं। टेम्पलेट भी यहाँ से ज़्यादा है, ठीक है। बीजी कलर भी है, बैकग्राउंड का कलर आप चेंज करना है तो यहाँ से बहुत सारे बैकग्राउंड का कलर है, यहाँ से कलर जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लूँगा, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो उसका कलर भी अलग अलग है, आप जिसका कलर चाहिए उसका कलर भी कर लीजिए, नहीं तो और सारा बैकग्राउंड मिल जाएगा आपको यहाँ से, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। कलर भी अलग अलग है सबका, ठीक है। मेरे को अच्छा लगा, मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको क्लोज कर दिए। इसका लेटर का साइज, फ्रंट का साइज थोड़ा बढ़ाना है मेरे को अभी। स्टाइल भी यहाँ से बहुत सारा है, ठीक है। जो भी चाहिए वो स्टाइल सिलेक्ट कर लीजिए। स्टाइल थोड़ा स्पेस दे दूंगा इसको इसी तरीके, ठीक है। कर दूंगा कलर यहाँ से आप दे सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके इसके बाद कलर को सिलेक्ट कर दीजिए, जो भी कलर आपको अच्छा लगेगा वही कलर आप डाल दीजिए। येलो कलर अच्छा लगा, ये यहाँ से येलो अच्छा, ये इसको मैं रख देता हूँ।
सकती है, जो भी कलर चाहिए कलर चेंज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया ऑलरेडी, ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ से सब कुछ एडिट वगैरह कर सकती है, ठीक है। फिलहाल हो गया इसको आप, हम यहाँ से देखिए सेव का ऑप्शन शो कर रहा है, आप यहाँ से सेव कर सकते हैं और डाउनलोड का ऑप्शन भी शो कर रहा है, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक कर देने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा आपको यहाँ से डाउनलोड। नहीं नहीं, इसके बाद आपको इसके बाद यहाँ से देखिए फ्रेंड बैक साइड, बैक साइड में कुछ हमको करना है। यहाँ से इस चीज़ का शो कर रहा है, इसके हम यहाँ से हमारा लोगो डाल देंगे यहाँ से, ठीक है। बिजी कलर जो चाहिए आप यहाँ से दे सकते हैं, जितना चाहिए उतना दे सकते हैं। कोई भी बिजी कलर यहाँ से आप चूज करके ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैंने कलर चूज करेंगे तो वो भी अच्छा है, ठीक है। इसके बाद कलर भी बहुत सारा है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जो कलर आपको अच्छा लगेगा वही कलर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। वही कलर मेरे को अच्छा लगा, मैंने इस कलर को चूज कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्लोज करना है, आपका लोगो को अपलोड करना है, ठीक है। मैंने लोगो को अपलोड कर दूंगा यहाँ से। इसके बाद आप गैलरी, गैलरी में आके इसको छोटा कर दीजिए, इतना चाहिए इतना छोटा कर दीजिए, ठीक है। अगर इसको आप नहीं रखना चाहिए तो उसको डिलीट कर दीजिए। अगर इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर रखना है और थोड़ा बड़ा करना है तो आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्टाइल भी थोड़ा बोल्ड कर दीजिए, इसको स्टाइल थोड़ा ऐसा कर दीजिए, इसके बाद इसको कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों हो गया, अभी मेरा बिजी कलर थोड़ा चेंज कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, इसको ले जाएंगे तो और अच्छा है, ठीक है। वो भी अच्छा दिख रहा है, कलर तो बहुत सारा है। आपका जो चॉइस वही कलर आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल इस कलर को मैं चूज कर लिया, बस इस कलर को मैंने चूज कर लिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से स्वैप शेप्स का ऑप्शन भी है, आप यहाँ से कुछ जो कुछ ऐड करना है ऐड कर सकती, आर वाला बटन में जो कुछ ऐड करना है यहाँ से ऐड एडिट कर सकते हैं आपको, ठीक है। बहुत सारा है, इस तरह इसको डिजाइनिंग कर सकती हैं। इसको रोटेट कर दीजिए, इसके बाद इस तरह का इसको रख दीजिए, ठीक है। ये दोस्त बैक साइड का हाइट कर
विजिटिंग कार्ड हो गया, ठीक है। अभी देखेंगे फ्रंट साइड, फ्रंट साइड का। तो दोस्त इसको कलर थोड़ा हम चेंज कर देंगे, जो कलर हमको अच्छा लगा वही कलर हम ले जाएंगे। इसी कलर को मैंने चूज कर लिया, ठीक है। इसके बाद दोस्त मेरे को स्ट्रोक, आप यहाँ से स्ट्रोक भी दे सकते हैं, स्ट्रोक का कलर भी ले सकते, ठीक है। जो चाहिए वही कलर भी आप दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपेसिटी भी यहाँ से शो कर रहे हैं, ओपेसिटी का ऑप्शन भी है, ओपेसिटी भी आप यहाँ से कम भी से कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, ग्रेडियंट्स भी है, आप यहाँ से 1-2 ग्रेडियंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन सब हुए, ठीक है। तो फिलहाल इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। इसके बाद डुप्लीकेट भी ऑप्शन है, साइज भी यहाँ से बड़ा छोटा भी आप कर सकते हैं, बैक करेंगे। इसके बाद हम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड फ्रंट साइड। दोस्तों यहाँ से शो कर रहा है डाउनलोड हो गया है। इसके बाद डाउनलोड बैक साइड भी कर देंगे, यहाँ से डाउनलोड हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसको डाउनलोड करके, हमारा डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। दोस्तों ये से हम बनाया था, इसको हम डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको उसमें हम शेयर करते कर सकते किसको, डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी डायरेक्ट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है।